ठगी और लूटपाट करने वाले शातिर अपराधियों को रबाले MIDC पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवी मुंबई रबाले MIDC पुलिस स्टेशन सीमा के भीतर दिनांक 22/3/2023 समय 6:10 को चिंचपाड़ा सिग्नल से मुड़ने के बाद स्काई वॉक के बगले में ठाणे बेलापुर रोड एरोली दीघा नवी मुंबई की तरफ होते हुए जाने वाले व्यक्ति के लिए माइंड स्पेस जा रहा था। अज्ञात लोगों ने वादी के मोबाइल फोन से गूगल पे के माध्यम से 20,000 रुपए लिए और वादी को जान से मारने की धमकी भी दी। फिर एक मोटरसाइकिल पर दो अजनबियों द्वारा संपर्क की गई। जांच के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। अपराध की जांच के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों शाहरुख सिराज खान व अशरफ अयूब खान ने बताया कि दो अन्य अभियुक्तों के नाम रोहित उर्फ अन्ना पुजारी और विनय राजेंद्र धनके हैं। उनके साथ अपराध करने में शामिल अन्य साथियों के साथ कोपर खैर ने पुलिस थाना में अपराध रजिस्टर संख्या 122/2023 व भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 323, 334 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। इसी तरह अपराध में गिरफ्तार अभियुक्तों और वांछित अभियुक्तों ने रबाले थाना कोपर खैरने थाना वाशी थाना NRI में इस तरह के अपराध करने की बात कबूल की है। साथ ही नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के लोगों से अपील किया गया है कि जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं वे संबंधित पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। उक्त अपराध की जांच विवेक पानसरे पुलिस उपायुक्त नवी मुंबई DD टेली सहायक पुलिस आयुक्त सुधीर पाटिल के निर्देशन में किया गया। नवी मुंबई पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी है। इन्होंने एक अच्छा डिटेक्शन किया है। जोन 1 के रात में जो एक दिन से टू व्हीलर कार को रोकते हुए टू व्हीलर आगे आके उसको रोक के आपको आपका बच्चा हमारा लगा है और हमारा कुछ नुकसान हुआ है ऐसी धमकी दे के उनसे पैसे निकालने का एक सिलसिला चालू था। उसमें कई जगहों पर ATM कार्ड से पैसे निकाल के देते थे, कई जगह GPay पे गूगल पे से ATM के पैसे मांगते किए। इस सिलसिले में हम लोगों ने दो आरोपी अरेस्ट किए हैं, शाहरुख सिराज खान और अशरफ आयुब खान। ये दोनों आरोपी को अरेस्ट करके इन्होंने इसके पहले भी 4-5 गुने जमीन के अधिनियम करने की कोशिश की है और उनके साथ इसके पहले रोहित अन्ना पुजारी और राजेंद्र धनके विनय राजेंद्र धनके ये दोनों भी आरोपी इनके साथ होने की भी पुष्टि मिली है। ये चारों ने मिलकर भी कुछ दिनें रजिस्टर है, इंजीनियर रजिस्टर होने बाकी है। जो विनय राजेंद्र धनके हैं जिसके पेटीएम अकाउंट में भी पैसे आने के प्रूफ लोगों को मिले हैं, हम आपके माध्यम से ये हवाल करते हैं कि इसके पहले भी अगर ये लोगों के साथ किसी दूसरे के लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ प्रसंग हुआ हो वो भी सामने आके अपने FIR दे, हम लोग इस पर तपास करके उनको न्याय देने की कोशिश करें। सर, पकड़े गए आरोपियों की अगर बात की जाए तो इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी और कैसे परिवार से है? ये तकरीबन 20-22 साल के है, कि शिक्षा ज़्यादा कुछ हुई नहीं है और प्रॉपर्टी में जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में इसके पहले अगर कुछ गुने आए कि नहीं है इसके बारे में हम लोग और डिटेल तपास करते हैं। सर, ये रुपया इस तरह से जैसे उड़ाते थे इनका क्या करते थे, कुछ बताया पूछताछ में इसने? अभी आरोपी आज ही अटक किए हैं, 2-3 दिन के बाद आपको वापस बुला के। थैंक यू।